चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में मकर संक्रांति का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीते कल सीएम मनोहर लाल ने करनाल वासियों के साथ लोहड़ी मनाई और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये खुशी का और मौसम बदलने का त्यौहार है। इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी फिलोसफर की तरह बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कभी बोलते हैं कि खुद को मार दिया है, कभी बोलते हैं कि राजनीति छोड़ दी। इस तरह से उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता। इस दौरान उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। बाहर है तो सूर्य जो है अपना दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आगे प्रवेश कर जाता है। हमारे जीवन में एक उज्ज्वलता, एक प्रकाश हमारे जीवन में आए, ऐसी एक प्रतीक इस प्रकार का है। तो मैं भी कामना करता हूं कि सब लोगों की बुराइयां समाप्त हों और आज के दिन के बाद उनके जीवन में प्रकाश हो, सफलता हो। देखिए, भीड़ कई प्रकार से जुटती है। कभी तो किसी को कोई किसी को ज्ञान की बात हो, कोई अच्छा व्यक्ति समाज का होता है उसको सुनने के लिए, कभी किसी कलाकार को देखने के लिए, कभी कभी किसी जमूरे को, नाटककार को देखने के लिए भीड़ जुटती हैं। अब जिसका नाम ही पप्पू दे दिया और जो इस प्रकार का ड्रामा यहाँ करके गया, वो कहता भी राहुल गांधी तो मर चुका है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है। अब ये फिलॉसफी एक राजनीतिक व्यक्ति किस प्रकार से करता है, वो कहते हैं कि मैं तो अब राजनीतिक आदमी ना होकर के शायद फिलॉसफर हो गया हूँ। और जिस प्रकार से जैसे जैसे उन्होंने वक्तव्य दिए हैं और क्या क्या बातें नहीं कह दी और क्या क्या व्यवहार नहीं कर दिए, ऐसा है कि जिस व्यक्ति के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती कि वो क्या है क्या नहीं है, उसको देखने सुनने के लिए अगर भीड़ किसी तमाशा देखने के लिए आती है तो भारी भीड़ जुटती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं है। अमित शाह जी का कार्यक्रम एक दिन का हरियाणा के लिए बना है, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं एक जगह कार्यक्रम करेंगे। अब वो कहीं भी हो सकता है, करनाल भी हो सकता है, सोनीपत भी हो सकता है, सिरसा भी हो सकता है, कई स्थान प्रपोजल में आए हुए हैं। मैंने अपनी ओर से कहा है कि करनाल कार्यक्रम हो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रम वहाँ केंद्रीय टीम तय करती है। जैसा तय ये डबल इंजन की है और अब तो कई जगह हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। नीचे भी हमारी सरकारें हैं, प्रदेश में भी सरकारें हैं, केंद्र में भी सरकारें हैं, अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और ये भरपूर काम करेगी। जितनी योजना हमारी स्थानीय इकाइयाँ उनका बजट है वो बनाएंगे, प्रदेश सरकार अपने ढंग से बनाएंगे, केंद्र सरकार का लाभ उनको मिलता ही है। हमने कल ही 1100 करोड़ रुपया ये जो नई पंचायतें बनी है हमारी इनके लिए रिलीज किया है और 3 महीने के लिए सिर्फ अप टू मार्च, तो 1100 करोड़ रुपए के काम इनके हो जाएं तो अपने में विकास की एक आगे गांव के अंदर जो विकास होगा तो विकास का